तो तुसी आज देख लो 47 विच साडी वंड होई असी कित्थे चले गए। सरकार ने अतवाद का जो रूप दे दिता सानू ही मारन की क्यों कोशिश की जाती है। बंदूक वाला जो खत्म हो गया हुण कलम का जो गया। पढ़े लिखे आ पर इन्हां नूं पंजाब च नौकरी नहीं मिल रही। मेरी बेटी की एडमिशन नहीं जी तुसी ये लगाओ तुसी कहड़े सिख हो। तुसी देख रहे हो दीप दबन टीवी चैनल। सो साढ़े नाल ने भाई साहब भाई हरी समरा। सो इन्होंने हुणे हुणे इत्थे स्टेज सी उत्थे इन्होंने एक गल की सी कि 84 वेले जिहड़ा सी अतवाद की लहर ने जिहड़ी सी नौजवान पीढ़ी सी जिहड़ी खत्म कर दित्ती। तो इन्हां कोल असी पुछना चाहुंदे आ कि भाई साहब जी जिहड़ी तुसी किवें दावे नाल कह सकदे आ कि अतवाद ने ही ये पीढ़ी जिहड़ी खत्म कीती। भाई पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो समाज में जो अस्थिरता फैलती है ना उसका कितना कितने कारण होंगे कि उतों काम निकल जाता चाहे उसके विचों जॉबां घटा दो। तो क्योंकि मैं एक किताब पढ़ी मैं पूरा नाम ही याद आता उस शायद नानक तो 84 तक उसके जो मैं पढ़िया मैं ऐ लगा कि कितना कितने सानू ही मारन की क्यों कोशिश की। अतवाद की गल करांगे अतवाद का विषय कुछ होर होंगे एक अपने गुरु वास्ते बलिदान देना गुरु वास्ते परिवार वार देना वो विषय कुछ हो कितना कितने सानू टारगेट क्योंकि टारगेट उन्होंने कि देना ताकतवर हूँ। जिवें तुसीं पहला सवाल कर रहे थे राज्यपाल साहब न कि जिहड़ा किसान नूं टारगेट क्यों किया जाता क्योंकि बहुत गिणती तो हमेशा डर है क्योंकि किसान एक पावरफुल है। जिवें तुसीं हो तुसीं एक पावरफुल तां क्योंकि क्योंकि थोड़े कोल अपने आप च बिल पावर है इस करके कितना कितने उदों साडा नुकसान होया। मैं दावे तुसी नहीं तो हिस्ट्री मैं लगता तुसी देखो तुसी आप रिपोर्टर हो तुहानूं वध पता तुसी हिस्ट्री खोल के देख लो साडा नुकसान वध नहीं होया। पिंडां च नौजवान कित्थे चल गए अज तुहाडे नौजवान नशे ने खा लिया ये भी एक अतवाद है। नहीं जिहड़ी शुरुआत होई सी सन 1978 दे विच जदों निरंकारिया ने यह जिहड़ा सीगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी की जिवें अज बगराड़ी कांड विच बेदबी हुई है उस तो बाद पंजाब दे नौजवान उठे जिन्हां ने वो बदला लैण की सोची वो ये देखो असी कितना कितने डेरिया नाल नहीं जुड़े हुए वो कारण सी। मैं देखो मैं आप गल करदा इत्थे खुल के डेरावाद थानू लै रहा है तुसी हुण देख लो जिवें सरसे वाला डेरे वाला सी उन्हें की किया जसलीयत किन्ने चिर बाद सामने आई कितना कितने साडा किरदार थले चला गया सानू शब्द गुरु ते भरोसा घट गया। देखो मैं खुल के गल देखो मैं कह रहा पर मैं आप अमृतधारी नहीं हैगा मैं बाल कटा के रखदा पग बंदा पर मैनू महसूस हो रहा कि कितना कितने साडा करैक्टर थले चला गया। वो गल तो ठीक है भी असी जिहड़े डेरेवाद नाल वध जुड़ गए पर गुरु ग्रंथ साहिब नाल घट हाँ पर जदों असी अतवाद की गल करांगे अतवाद का विषय कुछ होर होंदा। मैं देखो मैनू ज़्यादा नॉलेज नहीं पर मैं इन्ना कु देखिया गुरु ग्रंथ साहिब नूं मैं आप पढ़न की कोशिश करता हुंदा सी चार पांच वारी मैं उन्होंने रीड किया लगभग पांच वारी 1430 अंगा नूं ते मैनू उत्थे एक चीज़ महसूस होई कि इहनूं जिहड़ा बंदा पढ़ता है उहदी वैल्यू वध चाहीदी सी जिथे मैं हुण गल उत्थे लिआउण लगा। तो अज ग्रंथी सिंह नूं गुरद्वारे दे विच कहिंदे 2-3 हज़ार दे दिओ जां 4 हज़ार दे दिओ जदों गुरु का वजीर कमज़ोर हो गया पांच पढ़िया उत्थे लग गया जां 4 पढ़िया लग गया कितना कितने वो पूरा ज्ञान फैल ही नहीं सकिया तो बच्चे कराहे जाणगे। अज की हो रहा अज थोड़े पंजाब दे विच जां तां तुहानूं विदेश जाना पऊगा तो जां थोड़े बच्चे इत्थे नशे ना मर रहे क्योंकि असी कितना कितने जिहड़ा गुरु का वजीर सी उहनूं पिछे छड्ड दित्ता। मैं देखो मैं ठोक के गल करदा गुरु घरां दे विच ग्रंथी सिंह का सत्कार नहीं मैनूं याद है मैं मेरी नानी जी होंदे सी अमृतधारी सीगे उन्होंने कहना ग्रंथी सिंह लई वखरा प्रशादा तैयार किया जाए उहदे लई घेर रखना दूजा तीजा रखना अज साडे की सिस्टम चल पिया ग्रंथी सिंह लई कोई गल नहीं बाद चो जो पहला परौणे देख लो जदों कितना कितने साडा करैक्टर थले गिरदा ना तो बच्चे कराहे पैणगे। मैं इंग्लैंड दे विच जा के आया उत्थे चर्च च कोई बढ़ के राजी नहीं उहदा रीज़न पता की है क्योंकि असी कितना कितने उन्हों का करैक्टर जिहड़ा सी जिहड़ा धार्मिक सी थले लै गए तो अज साडे बच्चों ने की कहा यही कुछ करना। जिहड़ी अज किसान यूनियन जिहड़ी गल अज कर रही आ यही गल महापुरश संत बाबा जरनैल सिंह जी करते सीगे 13 मतिया के जिहड़े 13 मते पंजाब दे सीगे उन्हां 13 मतिया दे विच ये जो अज किसान यूनियन जिहड़ा मंगा मंग रही है उन्हां 13 मतिया दे विच ओह सारा कुछ लिखिया होया। देखो जे पंजाब दी धरती दे जम्मे आ तां साडे कितना कितने हक तां सारयां दे सेम ही आ ना साडियां मंगा भी सेम है ये तो असी बाद बन जाने कि अकाली है कांग्रेसी है फलाना है धमकाना है तो कितना कितने साड़ी जो स्टेट एक है साड़िया मंगा भी तो एक ही होनी है मां बाप साडा एक है तो औलाद दी मंगा भी तो सेम ही होनी है ना उन्होंने आप अतवाद नहीं कह सकते उन्होंने खाड़कू लहर कर सकते भी जे सरकार साड़िया मंगा ना मंगे तो विखाड़कू लहर जी अज भी तैयार हो। देखो मैं पहला भी कहना हूं कि हिंदुस्तान 5% लोगों ने सांभिया होया वो जरूरी नहीं कि वह किस धर्म के ने पहरावा पाने मैं वो धर्म ही नहीं बन जाना
गल है कि वह 5% लोगों का दबदबा हमेशा ही रहा, अज भी हिंदुस्तान से है। एक 95% लोग भुखे मरण ने, 5% इकोनमी वो लोग सामभ के बैठे ने, बड़े बड़े कारपोरेट घराने ने, उन्होंने किसी बच्चे पोलिटिकल बंद जरूरत नहीं रहेगी कि उन्होंने हथ पाले। वह कारण की है कि उन्होंने कोल सरमाया इन्ना सामभ हो गया। एक किसान खेती करने वाला हर बारी सर ब्याज ही मोड़ सकता, कई बार ब्याज भी नहीं मुड़ता। वो खेतों की फसल के बच्चों करोड़ा रुपया कमा रहे हैं, बॉन बीटा वो थोड़े कणक की सेलां पा के पैसे कमा लेंद। एक लेस कंपनी आँदी है वो पेप्सिको वाली, वो थोड़े एक आलू तो 20 रुपए कमा लेंदी है। कितना कित जदों साडे हक मरन गए तो साडा खून तो गर्म होना, कि जवे बाण लग तवे रोस जाग। जे मतलब अज भी सरकार साडियां जिहड़े हक सानू नहीं दिंदी, साडियां मंगां नहीं मनदी, तो फिर अज भी तो खाड़कूवाद लहर जिहड़ी तैयार हो सकती है। देखो तुसीं खाड़कू किहनूं कहिंदे हो, इक हथियार चक लिया तुसीं खाड़कू उहनूं कहिंदे हो? बिल्कुल नहीं। हर बंदा अपने आप दे विच जागरूक होना चाहिए कि मेरे राइट्स की आ। मैं पहला भी कहा कि अपनी कीमत तय करो, जो थोनू थोड़ी कीमत पता लग गई तो तुसी जरूरी नहीं कि मैं बंदू हुण बंदूकों वाला युग खत्म हो गया, हुण कलम का युग है। अपने बच्चों नू चंगी एजुकेशन दिओ, उहनू जिहड़ा पिता पुरखी काम है उहनू चंगी तरह, तेरा काम है खेती आ, शर्म मन्नी जा रही। बच्चे कहिंदे साडे बच्चे पढ़े लिखे आ पर इहनां नू पंजाब च नौकरी नहीं मिल रही तां बाहर नू भजदे ने। बिल्कुल नहीं, असीं बच्चे नू समय का हाणी नहीं बना रहे। तुसी कैसे एजुकेशन नू मानदे हो? जिहड़ी एजुकेशन आ मुल वेखदी है, दुकानां खुल गईआं कितना कितें उह 5% लोकां दीआं ने। अज एक जिहड़े बच्चे नू जिहड़ी एजुकेशन की जरूरत है उस तो है ही नहीं। अज आर्मी विच कोटा खाली पिया, क्यों नहीं पंजाबी बच्चे जा रहे? क्योंकि तुसी उस वो एजुकेशन प्राप्त नहीं, नहीं। जिवें ITT वाले जिहड़े अध्यापक सीगे किन्ने कुटमार सरकारां करदे ने पर उहनां नौकरी। मेरी गल सुणो, देखो इत्थे तुसीं इह गल कह दित्ती असीं लकीर दे फकीर हाँ। मैं पहलां वी कहा कि मैं किसी की लकीर कदे नहीं ढाउंदा, मैं अपनी लकीर जुदी बणाउणा। असीं एजुकेशन का सिस्टम बिगाड़ लिया, वो फलाने ने B.ED कर ली तू भी कर लै। अज आर्मी च क्यों कोटा खाली है? वह कारण कि थोड़े बच्चे उस लैवल की एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए। अज पुलिस में नहीं जा रहे किन्ने के साडे अपने सिख बच्चे IPS बन रहे अज की डेट च, मैं दसो। क्योंकि जिन्ना चिर सिस्टम दे तुसीं मुखी नहीं बनते थोड़ा सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता। हुण जिवें पंजाब है थोड़ा अपना राज तां ही थोड़े बच्चे ऑफिसर होणगे। जो देखो मैं एक पोलिटिकली बंदा और मैं एक इस टाइम एक पोस्ट से बैठा हुआ, मैनू यह पता उन्ना चर मेरा सिस्टम जिन्ना जिन्ना चर अफसरशाही मेरे मिजाज ही नहीं है। तो जो थोड़े बच्चे होणगे नहीं तो दूजिया स्टेटा दे आके बैठ रहे हैं। मैं किन्ने IPS कड़ा देना जो दूजिया स्टेटा तो इतने आते हैं, हिमाचल प्रदेश चो जां बाकी वाली स्टेटा तो इतने आ रहे हैं अफसर बन के। पर तुसी इस चीज़ को वीर जी एग्री नहीं भी जिवें पंजाब के बच्चे भी होनहार आ बाहर जा रहे ने, इतों कोर्स कर करके बाहर जा रहे ने, पढ़ लिख के बाहर जा रहे ने, उधर जाके पढ़ाई कर रहे ने, वधिया डॉक्टरी भी कर रहे ने, पर सरकार पंजाब सरकार भारत सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही? देखो मैं भारत सरकार की गल नहीं कहूँगा, स्टेट को अपने राइट्स भी होंगे ने। जो हिंदुस्तान एक 29 स्टेटा का यूनाइटेड इंडिया कह सकते हैं, वो पंजाब भी एक हिस्सा है। असी समय के हानि नहीं बनाए, असी 45-40 हज़ार इंजीनियर कढ़ दिंदे आ कि इन इंजीनियर जॉब मिल सकती है। तुसी देखो जिहड़ा बच्चा बाहर जा रहा कदे उहदे डिग्रियां डिप्लोमिया बारे देखियो, वो जिहड़ी सरकार नूं उहदे जरूरत हुंदी है ना उहदे लई उह कहिंदा भाई इहदे लई आ के पढ़ लै तैनूं जरूरत है, तां फिर बच्चा जांदा उह डिग्री करदा उत्थे फिट हो जांदा। इत्थे हुण मैनूं दस्सो एग्रीकल्चर ते किन्ने क बच्चे इस टाइम पिंडां दे जिहड़े आ उह BSc वगैरह कर रहे जां कोई होर कर रहे आ? नहीं कर रहे, क्योंकि असीं उह पढ़ाई कर रहे जिहड़ी इत्थे कम्म दी नहीं। हुण मैनूं दस्सो मेरे शरीर नूं जरूरत तां दुध दी सी तो मैं पी जाना शराब तो कितना कितने शरीर भी खराब हो गया, तो तुसी तो लिक्विड गिन लिया ना कि 2 बोतलां पी गया 3 बोतलां पी गया। कितना कितने असी समय के हानि बच्चे ने बना। एक होर 3 तो 4 साल के बच्चे स्कूल चला के तुसी परसेंटेज भाल दे नहीं, वो तो बिल्कुल गलत। आपां नूं बच्चे का शरीरक तौर पर भी फिजिकल भी उन्हें मजबूत करना चाहिए वा, कल्ला पढ़ाई नहीं सारा कुछ शरीरक तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। मैं आस्ट्रेलिया के चाइना बारे पढ़ रहा सी, आस्ट्रेलिया की हॉकी टीम बारे, क्योंकि मैं खुद हॉकी चो निकल के आया, मैं राजनीति बच्चे हॉकी चो निकल के आया। उत्थे 5 साल के बच्चे नूं बाच लिया जांदा कि इहनूं जिहड़ा आ जदों ये अपना 18-19 साल का होना इन्हें कित्थे पहुँचना। चाइना की करता वो देख, उन्होंने एक वक्रे सिस्टम बनाया होया कि वो बच्चा देखता किहड़े काम लई फिट आने वाला, तो साढ़े जिहड़ा स्पोर्ट्स वाला बच्चा उत्ते एजुकेशन थोपी जा रही है और जिहड़ा एजुकेशन वाला बच्चा उहदे कुछ होर थोपिया जा रहा। इस तरह नहीं हुंदी। देखो नेचर ने जिन्ने भी ह्यूमनस बंदे बनाए आ, इंसान बनाए आ, उहनूं वक्री वक्री एनर्जी दित्ती आ, बच्चे विच एक्सट्रा पावर हुंदी आ। उन्हों वो देखो तुम कहते ध्यान के नाल बच्चा बैठा हाथ पैर मारी जाता, अगर वो एनर्जी चंगे पासे लग गई तो मैनू नहीं लगता सानू कदे हथियार चकन की जरूरत पैनी है। देखो सच्चे पातशाह ने सानू गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने उत्तम खेती मध्य पवार निखित चाकरी भीख मरदार गुरबाणी सी है ना, और सानू दस्या तो असी अज उल्टे हो गए। असी बच्चे को करवाने जो तुम चाहते हो, मैनू इन्ना कु दस्यो जो थोड़ी फीलिंग सी जो थोड़ी सोच सी ठीक है, पर बच्चा किसी होर पासे जाना चाहता तुम कहने मैं नहीं जान दिता। फिर वो जिस स्कूल में बनना चाहते उस स्कूल च नहीं लेके गए,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਘਾਟੀ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਤ ਖੇਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 20,000 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ 5,000 ਹੋਰ, 25 ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ, 30 ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਗਤ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। 1430 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ 117 ਬੰਦੇ ਨੇ MLA ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 117 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲਕੋਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ MLA ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗੱਲੇ ਕਰੇ ਕਰੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਫਿਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70% ਨਹੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਯਾਰ ਝੂਠ ਆਪੇ ਅਰਜੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਪ ਦਮਨ TV ਚੈਨਲ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।